में शिकार के आरोपियों पर कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया, जिसमें रेंजर संदीप सिंह समेत दो वनकर्मी घायल हो गए हैं। घटना अचानक मार टाइगर रिजर्व के सुरही रेंज के निवास खार गांव की है, जहां रेंजर संदीप सिंह और वनकर्मी को बंधक बनाकर ग्रामीणों ने पिटाई की और गांव वालों ने टीम को ठक बैठक भी कराई। रामचरण गौड़ के घर गए, वहां से भी वन्य प्राणियों से धनुष कुल्हाड़ी मिला। फिर हम शंकर बैगा के घर आए, चौथा आरोपी जो था हमारे पास उसके घर आए, वो फरार था लेकिन घर में लोग थे, उनसे भी तलाशी पंचनामा और गांव वाले जो इकट्ठा थे उनसे साइन करा के टीम हमारी गई थी निवास खार गाँव इनको ट्रैक करते हुए, और उसी समय इनके साथ गाँव वालों ने कुछ झड़प की, मारपीट किया हमारे स्टाफ के साथ, उनको 4-5 घंटे बंदी बना के रखा, उनको वहाँ से हिलने भी नहीं दिया, यही शिकायत लेके अभी तरह है। टोटल 21 लोग की टीम थी और उसमें दो परिक्षेत्र अधिकारी और कुछ फॉरेस्टर्स, डिप्टी रेंजर, स्पीड गार्ड, पैदल गार्ड सभी शामिल थे। हाँ, तो वो उनका विरोध करने लगे ग्रामीण और उनके साथ में मारपीट की गई है, उनके गाड़ियों को तोड़ा गया है, उनके वर्दी वगैरह फाड़ दिए गए हैं और उनको जो कार्य करना था उसको करने नहीं दिया गया और उनको मारपीट करके उनको भगा दिया गया। इसमें थाना में अभी रिपोर्ट हुई है और उसमें अपराध पंजीबद्ध कर जो भी विधिवत होती है विधिवत कार्रवाई की जाएगी।